दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हमको दिखाएंगे रेडमी 9 प्राइम जो कि एमटी के आईसी है, मीडिया टेक आईसी है। उसको आपको जो है एमआई अकाउंट किस तरह से अनलॉक करना है, अनलॉक टूल से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एमटी के टूल सेलेक्ट किया, सर्वर पर मैंने चेक लगाया, उसके बाद यहाँ पे जो है ब्रांड पे क्लिक करके हमें यहाँ पे Xiaomi सेलेक्ट करना होगा। पहले तो जब हम यहाँ पे Xiaomi सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि मॉडल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि ये मोबाइल है रेडमी नोट 9 प्राइम, रेडमी 9 प्राइम, तो रेडमी 9 प्राइम जो है इस मॉडल को हमें यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना होगा और नीचे में यहाँ पे रीसेट एमआई क्लाउड है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद इसमें ऑटोमेटिकली जो है प्रोसेसिंग चलेगा, ठीक है। जब ये लिखेगा वेटिंग फॉर डिवाइस, जब तक वेटिंग फॉर डिवाइस नहीं लिखता तब तक आपको मोबाइल बूट नहीं कराना है, ठीक है। तो मोबाइल आपको तभी बूट कराना है जब आपको लिखेगा इसमें वेटिंग फॉर डिवाइस। अब यहाँ पे लिख चुका है ये वेटिंग फॉर डिवाइस, अब आप मोबाइल बूट करा सकते हैं। वॉल्यूम प्लस माइनस दबाएं, मोबाइल को ऑफ करके रखें, वॉल्यूम प्लस माइनस कंटिन्यू दबाएं, उसके बाद केबल लगाएं, मोबाइल बूट कर जाएगा। जब मोबाइल आपका बूट कर जाएगा तो वॉल्यूम प्लस माइनस को छोड़ देना है, ठीक है। कुछ ही देर में आपका मोबाइल जो है ये अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मान के चलिए कोई भी एमटी के आईसी ओप्पो रियलमी का अनलॉक करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ड्राइवर का एरर दे रहा है अथ बाईपास का अगर इरर दे रहा है, आपको समझ लीजिए आपका जो ड्राइवर है ओप्पो रियलमी का जो नया ड्राइवर है अनलॉक टूल के लिए, तो वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अगर आपको वो ड्राइवर इंस्टॉल करना है, कंप्यूटर में डाउनलोड करना है, तो आप क्या कहते हैं अनलॉक टूल की वेबसाइट पर जाइए, आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है अनलॉक टूल का उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करिए अनलॉक टूल की वेबसाइट पर, और वहां पे फर्मवेयर लिखा हुआ उस पर क्लिक मारना है, उसके बाद ओप्पो सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा ओप्पो रियलमी ड्राइवर, ठीक है। तो उस ड्राइवर को डाउनलोड करके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देना है, आपका ये प्रॉब्लम जो है एमटीके वाला जो प्रॉब्लम जो भी होगा बूट करने में वो आपका जो है दूर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।